नमस्कार, नेशनल भारत देख रहे हैं आप, मैं राकेश। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस की टीम वापस लौट आई है। केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुमति मिलने के बाद बिहार पुलिस के ऑफिसर वापस पटना लौट आए हैं। एक सप्ताह पहले सुशांत केस की जांच करने बिहार के 4 पुलिस अधिकारी मुंबई गए थे। अब सुशांत केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, लिहाजा बिहार की पुलिस जांच स्थगित कर वापस पटना लौट आई है। पटना पुलिस की टीम अब अपनी जांच रिपोर्ट में एसएसपी उपेंद्र शर्मा को सौंपेगी। इसके बाद टीम के सभी सदस्य आईजी संजय सिंह से मुलाकात करेंगे और जांच के संबंध में जो भी जानकारी होगी वो जानकारी मुहैया कराएंगे। हालांकि पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी अभी भी वहां पर क्वारंटीन में हैं। बीएमसी ने उन्हें जबरन 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया है। हालांकि बिहार सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, बावजूद इसके बीएमसी मानने को तैयार नहीं और बिहार की अपील को खारिज कर दिया गया। वही बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में रिया मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईपीएस प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार की जमकर फटकार लगाई थी। आपको यह भी बताते चले कि 27 जुलाई को मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने सुशांत की बहन अंकिता लोखंडे, फिल्म डायरेक्टर मुकेश छाबरा और रोमी जाफरी, नौकर नीरज गार्ड, कुक दीपेश सावन, सिद्धार्थ पिटनी सहित करीब 12 लोगों का बयान ले चुकी है। पुलिस ने सुशांत के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य सबूत भी जुटाए हैं, जो सबूत के तौर पर ये देखे जा रहे हैं। तो सुशांत मामले में जो जांच है अब कह सकते हैं कि तेजी से आगे बढ़ रही है, चूंकि मामला अब सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है। सीबीआई इसे अपने तरीके से हैंडल करेगी और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र मानी जा रही है और ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है कि सीबीआई अपने स्तर से स्वतंत्र होकर इस मामले की जांच करेगी और बहुत ही जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।